भैया जी, भैया जी, ये कौन सा मंदिर है? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा। ये है हमारे सेठों के सेठ सावना सेठ का मंदिर, भव्य मंदिर। ये देखिए आप, कितना सुंदर और भव्य अलौकिक मंदिर है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम साक्षात सेठों के सेठ सावने सेठ के दरबार में आए और हमें मौका मिला है अंदर आने का। ये मंदिर देखिए आप, सावना सेठ का भव्य मंदिर और बहुत ही सुंदर। आज हमारा मन तृप्त हो गया है, हम खुश हो चुके हैं, काफ़ी आनंद से प्रतीत कर रहे हैं। और पहली बार हमें मौका मिला है भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करने का। बाकी सभी भक्तों को आप देखिए, ये मंदिर का मुख्य मार्ग है। यहाँ से अंदर होके दर्शन होके बाहर निकाल देते हैं। आज भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की और राखी के त्यौहार पर हमको भगवान की तरफ से ये राखी का तोहफा मिला। हमें उनके सड़ी हुई साक्षात राखी हमें खुद पुजारी दी, हम अपने हाथों से और हमने राखी बांधी। आज हम काफ़ी खुश हैं, अंदर से तृप्त आत्मा तृप्त होगी। हमें मिला एक स्वर्ग मिल गया हो, तो धन्यवाद। ये देखिए आप, तो आज हम आ चुके हैं सावने सेठ मंदिर में। ये है सावने सेठ मंदिर का मुख्य मार्ग। ये है मंदिर का नज़ारा। ये देखिए, ये जो नक्शा बना था मंदिर का, ये नक्शा है। ये देखिए आप, और काफ़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। कितनी अच्छी साफ सफाई है यहाँ पे, आप देखिए। ये है हमारे श्री सावने सेठ के ठाकुर जी का महल, आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ विराजित है हमारे ठाकुर साहब। देखिए कितना सुंदर भव्य मंदिर बनाया है यहाँ पे। काफ़ी करोड़ों का यहाँ पर दान करते हैं लोग बाग। ये देखिए, यहाँ विराजे हमारे ठाकुर जी। ये है मंदिर का प्रवेश मार्ग। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था, कितनी साफ सफाई है। ये है हमारे ठाकुर जी का मंदिर। आज है रक्षाबंधन, हम आए हैं ठाकुर जी की, हम ठाकुर जी के द्वार में आए हैं और अभी कोई भी ज्यादा भीड़ नहीं है। धन्यवाद। ये सावरिया सेठ के मंदिर का नजारा आप देखिए। काफ़ी खूबसूरत हवेली बनी है सांवरिया सेठ की। आज देखिए, आज हमें बहुत दिनों बाद हमें मौका मिला है सांवरिया सेठ के मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, और कई किस्मत वालों को मिलता है ये मौका। आप देखिए ये कितनी खूबसूरत हवेली है हमारे सांवरिया सेठ की, सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के। आज हमने लाइव दर्शन, साक्षात दर्शन किए, जूमिंग के साथ किए, और बहुत कम जनों को सौभाग्य मिलता है इस अंदर आने का। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। आज रक्षाबंधन होने के हिसाब से कम भीड़ है। ये चामुंडा माता का मंदिर है। जय माता रानी। ये देखिए, ये है बालाजी का मंदिर। ये है सावना सेठ के मंदिर के अंदर का नज़ारा, और यह है माता चामुंडा का, चामुंडा माता का मंदिर, जिसका हमने दर्शन किया आज। आज हमने बहुत पहली बार, फर्स्ट बार दर्शन किए हैं। बाकी आम आदमी को अंदर आना बहुत अलाउ नहीं है। और यह है हमारे सेठ की हवेली, सावरिया सेठ की हवेली। आज हम अंदर आए हैं, और यह है गार्डन। ये हमारे सावरे सेठ की नगरी है। ये देखिए हमारे चंदा मामा, आज साक्षात मंदिर के अंदर हमें इनके दर्शन हुए। कितना अलौकिक सौंदर्य से भरा हुआ ये मंदिर है। देखिए, और अंदर आरती चलती हुई, हम आपको अंदर का व्यू दिखाने के लिए, हम आरती छोड़ के आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर टाइल के बीच में घास, कितना सौंदर्य से भरपूर है ये। वाह सावरे सेठ, आपकी क्या लीला है। ये है मंदिर का मुख्य गुंबद। ये देखिए,
आज सेठों के सेठ सांवरे सेठ ने हमारे ऊपर बहुत असीम कृपा की है, जो मंदिर के अंदर हमें घूमने का मौका प्राप्त हुआ है। और ये मौका हम आप गवा नहीं रहे, आपको दिखाने के लिए अंदर आए हैं। बाकी सभी भक्तजन उस गेट से अंदर आते हैं, एंट्री पास इधर से होती है। और यहाँ से एंट्री होते हुए आप सीधा इधर घूमते आते हैं, या साइड से घूमते हुए बहुत लंबा चक्कर कट के अंदर से इधर से इस जगह से अंदर जाते हैं और दूर से दर्शन होते हैं। आज रक्षाबंधन के पर्व पर भीड़ ज़्यादा नहीं होने से हमें दर्शन हुए, अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफ़ी सुंदर भव्य नज़ारा हमारे सेठ सांवरों के सेठ सेठों के सेठ सांवरे सेठ की जय हो। बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये हमारे मंदिर है, इस मंदिर में हम नहीं आए, ये मंदिर है अभी बंद है। ये शंकर भगवान का मंदिर है, सांवरे सेठ मंदिर प्रांगण के अंदर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आज हमें देखने को मिला। और बनाए रहिए आप आरके म्यूज़िक, आरके मोबाइल एंड टूरिज्म के साथ, ऐसे आपको दिलचस्प नज़रें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये है हमारे सेठों के सेठ सांवरे सेठ की नगरी। अंदर आरती चलती हुई हम आपको आरती के अंदर ले चलते हैं। ये है हमारे गुरुदेव जो सांवरे सेठ के जस्ट सामने इनकी प्रतिमा लगी हुई है। ये देखिए ठाकुर जी का महल कितनी सुंदरता से अपने दिल को भा जाता है, मन तृप्त हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। और ये लाइव आरती चलती हुई ये देखिए आप, सभी भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं, आपको हम लाइव आरती दिखाते हैं। ये देखिए लाइव आरती का नज़ारा। ये है हमारे सेठों के सेठ सांवरे सेठ जी अपनी राजगद्दी पर विराजित है, देख पा रहे हैं जयकारों के साथ जय जयकार हो रहे हैं यहाँ पे। आज थोड़ी भीड़ कम है रक्षाबंधन के हिसाब से। ये देखिए सांवरे सेठ का मेन मंदिर, पर कितनी सुंदरता है, से भरपूर है, ये होने की परत लगी हुई है।
सांवरिया सेठ की जय हो। यह है सांवरिया सेठ का जन्म स्थान है, यहाँ पर श्री सांवरिया सेठ का जन्म हुआ था। यहाँ से मूर्ति लेके वहाँ पर स्थापना की गई थी। यह है सांवरिया सेठ की पुराना मंदिर। जय हो सांवरिया सेठ की। मंदिर का रूप देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य है मंदिर का। ये देखिए कांच के अच्छी अच्छी कलाकृति लगा रखी है, कैसे बनाया होगा आप देखें। ये भोलेनाथ